सरकार बीमा उद्योग में बड़े बदलाव की तैयारी करने जा रही है। इसके तहत बीमा उद्योग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने का प्लान बनाया गया है। इससे देश में बड़ी कंपनियों के लिए अपने दम पर इंडियन मार्केट में एंट्री करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही बीमा एजेंटों को बड़ी सुविधा देने की योजना है। सरकार बीमा कंपनियों के लिए कंपोजिट लाइसेंस देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब है कि एक ही लाइसेंस पर कंपनी लाइफ, हेल्थ और मोटर यानी सभी तरह के बीमा प्रोडक्ट बेच सकेगी। ये उपाय बीमा संशोधन विधेयक में शामिल किए गए हैं। ये विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने का प्रस्ताव है। इन सुधारों के बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के प्रमुख देवाशीष पांडा ने पिछले दिनों सरकार को सुझाव दिया था। इन सुधारों से बीमा उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, इससे पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस एजेंटों को क्या फायदा होगा, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो दरअसल देश में बीमा की पहुंच बहुत ही कम है। वित्त वर्ष 2021-22 में ये 4.2% के स्तर पर थी। रेगुलेटर और सरकार मिलकर इसे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे थे, लेकिन साल 2022-23 में ये दर घटकर 4% पर आ गई, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 6.8% है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कुल बीमा प्रीमियम का हिस्सा। देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए IRDA ने साल 2047 तक सबके लिए बीमा का लक्ष्य रखा। इसी लक्ष्य को पाने के लिए सरकार बीमा सेक्टर में बड़े सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने 2021 के बजट में भी बीमा सेक्टर में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया था। अभी देश के बीमा उद्योग में 26 लाइफ इंश्योरेंस, 26 जनरल इंश्योरेंस और 6 पूरी तरह से हेल्थ बीमा कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं, जबकि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के रूप में एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है। सरकार चाहती है कि देश में बड़ी बीमा कंपनियां आएं और बाजार में कंपटीशन बढ़े। इसी सोच के साथ बीमा उद्योग में 100% FDI की कवायद चल रही है। सरकार का आकलन है कि देश के बड़े खिलाड़ी SBI, ICICI, HDFC बैंक से लेकर टाटा और बिरला तक पहले ही सेक्टर में जमे हुए हैं। बीमा सेक्टर एक ऐसा बिजनेस है जिसे लंबी अवधि के लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। इस सेक्टर में निवेश के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू कंपनियां आगे नहीं आ सकती। अगर इस सेक्टर में 100% FDI का रास्ता साफ हो जाता है तो वैश्विक स्तर की जो पूरी बड़ी कंपनियां भारत में प्रवेश करेंगी, इससे बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसका फायदा बीमा खरीदारों को मिलेगा। सुधारों के तहत सरकार बीमा एजेंटों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। अभी तक बीमा एजेंट सिर्फ एक बीमा कंपनी के ही प्रोडक्ट बेच सकते थे। नियमों के तहत जीवन बीमा एजेंट लाइफ या जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही तरह की पॉलिसी बेच सकते हैं। हालांकि कुछ एजेंट अपनी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर लाइसेंस लेकर दोनों तरह के कवर बेच रहे हैं। सरकार ने विधेयक में बीमा एजेंट के लिए नियमों में ढील देने जा रही है। लाइसेंस इंश्योरेंस काउंसिल के 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 29.71 लाख जीवन बीमा एजेंट हैं। इनमें से 14.31 लाख एजेंट सिर्फ LIC के हैं। इन एजेंटों को सभी तरह के बीमा प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी मिलने पर इनकी कमाई बढ़ेगी, साथ ही नए लोग भी बीमा सेक्टर में एजेंट के रूप में अपना करियर बनाने के लिए आगे आएंगे। बीमा कंपनियों के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिलने, FDI की सीमा बढ़ने और बीमा एजेंट के लिए नियमों में ढील मिलने से देश में बीमा की पहुंच बढ़ेगी और आम लोगों के लिए सस्ता बीमा मिलने की राह आसान हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस नए पहल के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का YouTube चैनल।